हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं। गाइस आज हम खाने वाले हैं जोलो चिप। गाइस काफी लोगों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि जोलो चिप के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो गाइस ये वीडियो हम जोलो चिप के ऊपर ही बना रहे हैं। और गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, और अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। गाइस बॉक्स के अंदर हमें एक जोलो चिप मिला है, ये सिंगल पीस है और काफी डरावना लोगो आप देख पा रहे होंगे इसमें। गाइस इसको हम करते हैं साइड में अभी, और पहले अभी इसके हम वार्निंग्स पढ़ लेते हैं कि इस चिप्स को खाने में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और क्या वार्निंग्स दी गई है हमें जोलो चिप की तरफ से। तो गाइस अगर आप इस डिब्बे के पीछे देखेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन है ईट एट योर ओन रिस्क, यानी कि अगर आप इसको खाते हैं और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे, ना कि जोलो चिप। सो गाइस इसको और ओपन कर लेते हैं। तो गाइस इसके पीछे लिखा हुआ है एनी लास्ट वर्ड, यानी कि अगर इस चिप्स को आप खा रहे हैं और आपके ये पूछ रहे हैं आपसे जोलो चिप वाले कि आपको कोई लास्ट वर्ड बोलना है, तो गाइस मेरा ये लास्ट वर्ड है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे, ये हमारा लास्ट वर्ड था। सो गाइस हम इसको हम कर देते हैं साइड में। तो गाइस अब इस बॉक्स के पीछे हम देखते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन है, कैन यू हैंडल दिस डेडली चिप। तो गाइस पता नहीं मुझे कि मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बाकी इसको खाने के बाद ही मैं बता सकता हूँ इसको कि हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बाकी अमित भाई ने ये फर्स्ट वीडियो डाली थी जोलो चिप के ऊपर, आया था इस चिप में काफी तीखी मिर्च है जो यूज की हुई है इसमें। तो गाइस देखते हैं अभी हम क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी इसमें हम नीचे ये देख लेते हैं, ये इसमें ये दिखा रहा है कि शॉर्ट टर्म लॉस्ट ऑफ स्पीच, यानी कि अगर इसको आप खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज जो है बंद हो सकती है, आप बोलना बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और गाइस इसके नेक्स्ट ये एक और प्रॉब्लम हो सकती है आपके माउथ ऑन फायर, यानी कि आपके मुंह से धुआं भी निकल सकता है, आग से निकल सकती है। एंड थर्ड ऑप्शन इसमें ये दिया गया है कि पैड विजन फ्रॉम टीयर्स, यानी कि आपकी आंखों की भी रोशनी इससे जा सकती है। गाइस एंड फोर्थ ऑप्शन इसका यह है कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो कुछ देर के लिए। और लास्ट ऑप्शन में आप दिख ही रहा होगा RIP, रेस्ट इन पीस, आप मर भी सकते हैं इसको खा के। तो गाइस टेस्ट करते हैं इस चिप्स को और इस बॉक्स को देते हैं एक साइड में। गाइस ये छोटा सा चिप्स काफी डरावना लग रहा है मेरे को, मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर भी। तो गाइस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, गाइस प्लीज इसको घर पर ट्राई ना करिए क्योंकि इसमें काफी तीखी मिर्च है। और गाइस मैं आपको बता दूं इसमें मिर्च कौन सी यूज है, कैरोलिना रैपर, ये इस नाम की मिर्च है जो कि वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्च है जो इसमें यूज की हुई है। तो गाइस अब इसको ओपन कर लेते हैं। गाइस काफी डर लग रहा है मेरे को तो कि ये कैसा होगा अंदर से। तो गाइस इसको प्लीज आप घर पर ट्राई ना करें, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप ये मिर्च आपके हाथ पे भी लग गई, आपकी स्किन पे भी लग गई ना, तो काफी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस अपना चिप्स ओपन हो चुका है। ओ भाई कितनी तीखी मिर्च इसमें दिख रही है, ओ भाई इतनी स्मेल आ रही है इसमें तो यार, ये ब्लैक चिप्स है सर। गाइस ये आप देख लीजिए, अब इसमें कुछ नहीं है, हमने यूज कर लिया है इसको, अब इसको हम डस्टबिन बुला सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे आसपास यहीं कहीं डाल दिया इसको तो काफी हार्मफुल हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। तो गाइस हम सेफ्टी से यूज करेंगे इसको और इसको साइड कर देते हैं। गाइस गाइस ये हमारा जोलो चिप है। गाइस आप जूम करके देख लीजिए एक बार। गाइस मैं इसको खाने वाला हूँ, थोड़ा गाइस थोड़ा टेस्ट करता हूँ, थोड़ा तोड़ के इसको आराम से। काफी मिर्च है गाइस इसमें, गाइस बहुत डर लग रहा है इसको खाने में, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी हमारे पास सारी सेफ्टी है और हमने काफी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं अपने पास, अगर हमें ज्यादा मिर्च लगेगी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सो खा चुके हैं आधा चिप्स हम, थ्री पार्ट्स किए हैं हमने चिप्स के। अभी तक तो भाई कुछ नहीं हुआ है, इजीली खा रहा हूं, खा रहा हूं।
गाइस थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। गाइस इसको मिर्च को कपड़ों से मत पोंछिएगा क्योंकि बहुत हार्मफुल है, आंख पे तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। गाइस रियल बता रहा हूँ, अभी तक कुछ तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, बाकी आने वाले टाइम पे पता नहीं, बट हाँ मिर्च बहुत लग रही है। गाइस मेरी हालत खराब होने वाली है मुझे लग। गाइस सही मेंशन किया था इसमें, मेरी आवाज जा रही है, अभी तक मैं कुछ यूज नहीं करूंगा जब तक मुझे जरूरत नहीं होगी कि मुझे कुछ खाने की जरूरत पड़े तभी खाऊंगा मैं। गाइस कीजिए मिर्च, हम इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। नो, अभी नहीं चाहिए मुझे कुछ। मैं हैंडल कर पा रहा हूं अभी तक तो। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, गाइस प्लीज मत खाइएगा इसको, बहुत बेकार चीज है। गाइस मुझे बहुत हंसी आ रही है। भाई पसीना भी आने लग गया मुझे, गाइस मानना पड़ेगा कैलोरीमीटर पेपर को बहुत खतरनाक चीज है, अच्छे खासे आदमी की बैंड बजा सकती है। गाइस इसकी वार्निंग आप पढ़ लीजिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। गाइस इतना नहीं है जितना काफी यूट्यूबर्स बताते हैं, इतना हार्ड नहीं है ये चिप्स, बट हाँ मानता हूँ इस चीज को कि हार्ड है, बट इतना हार्ड नहीं है कि वोमिटिंग हो जाए या फिर बेहोश हो जाए कोई आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखते हैं गाइस क्या इफेक्ट करती है अभी, वैसे अभी तक तो सिर्फ इसने मेरे मुंह की आवाज को थोड़ा स्लो कर दिया है, आंखों में भी थोड़ा लाल रेडनेस दिख रही होगी आपको, आंखें लाल पड़ चुकी है मेरी पूरी, जूम करके दिखा दीजिए व्यूअर्स को। गाइस अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, गाइस गिव मी वाटर बॉटल। अभिषेक ड्रिंक वाटर बॉटल ले आओ, ग्लास में है।
थैंक यू। गाइस तगड़ी है मिर्च, कर दिया सब काम अपना। प्लीज इसको घर पे ट्राई ना करिए, थैंक यू। गाइस मैं अब नॉर्मल हो चुका हूँ बिल्कुल, अब इसे चॉकलेट देना, थोड़ा मुंह को मीठा करने के लिए मैं चॉकलेट खाते हूँ। गाइस अभी इतना संतुलन बिगड़ चुका है मेरे शरीर का, मैं चॉकलेट कैच भी नहीं कर पा रहा था। सो गाइस मैं नॉर्मल हो चुका हूँ बिल्कुल, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें मेंशन किया हुआ है ना, माउथ ऑन फायर, फर्स्ट ऑप्शन में मानता हूँ कि आपकी थोड़ी देर भी स्पीच लॉस्ट हो सकती है, बट जो माउथ ऑन फायर एंड जो थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, बिल्कुल गलत है। और गाइस कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो, लेकिन अपने इंडियंस के लिए ठीक है। अपने इंडिया मैन पावर जो होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है, तो आपको आपको हम इसको गिन सकते हैं। बाकी गाइस मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, मुझे कोई आंसू नहीं आए, बट मेरी आईज थोड़ी रेड हो गई थी और मेरे मुंह की थोड़ी आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम आपका जवाब बिल्कुल देंगे। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।